ईद मुबारक है तमाम दर्शकों को, ईद की मुबारकबाद। इधर बता दें कि गलत असेसमेंट करने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE उन स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो गलत असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, गलत करने वाले पर कार्रवाई होना चाहिए। ई लाइब्रेरी पर जल्द मिलेगी कैचअप कोर्स की सामग्री। बच्चे देंगे मिस्ड कॉल, सुनेंगे दादी नानी की कहानी। अब बच्चे जो हैं घर बैठे, जो घर में कोरोना काल में घर में हैं, मनोरंजन उनका नहीं हो पा रहा है, तो कोरोना संक्रमण के कारण बच्चे जो तनाव में आ जा रहे हैं, घर बैठे बच्चों का मनोरंजन हो इसके लिए पटना जिला शिक्षा कार्यक्रम कार्यालय ने की ओर से कहानी का संग्रह तैयार किया गया है। प्रथम संस्था के सहयोग से इस कहानी के संग्रह को एक मिस्ड कॉल देकर बच्चे अपनी पसंद की दादी नानी की कहानी सुन सकते हैं। यह सुविधा मोबाइल पर दिया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की तिथि भी, मियाद भी बढ़ा दी गई है। अब बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन रहेंगे। सरकारी कोविड अस्पतालों में सामुदायिक रसोई शुरू होगी। हार्डवेयर और खाद और बीज की दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुलेगी। शादी समारोह में अब 20 लोगों को ही, पहले से इसकी संख्या कम कर दी गई है कि 20 लोगों को ही शामिल होने की मंजूरी दी गई है। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें बचाव के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के समय में दुकानें खुलने के समय भी परिवर्तन किया गया है। शहरों में सुबह 6 बजे से 10 बजे, तो गाँव में 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेगी। यानी कि थोड़ा सा समय का आगे पीछे, हालांकि बराबर समय कहा जा सकता है। शहर में 6 से 10 है, तो गाँव में ग्रामीण स्तर के दुकान खोलने का जो समय है वह सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो दुकानें हैं अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन खुले रहेंगे। सोमवार और गुरुवार को खुली गई हार्डवेयर की दुकानें। देखिए, अब कृषि का समय आ रहा है, तो कृषि में लोगों को, किसानों को दिक्कत ना हो, हार्डवेयर और खाद की जो दुकान है उसमें सुविधा मिले, तो इसको लेकर सोमवार और गुरुवार को हार्डवेयर की दुकान खोलने की बात की जा रही है। राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में 2 दिन खोलने की अनुमति दी है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुल सकेगी। यह समय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए समान होगा। यानी कि जो किसानों के लिए दुकानें खुलेगी वह शहर में भी और गाँव में भी एक ही समय होगा। कहा जा सकता है कि दुकानें जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किसानों के लिए या अन्य लोगों के लिए खुले रहेंगे। इधर पाबंदियां क्या क्या है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकानें वाणिज्य एवं अन्य प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। केवल होम डिलीवरी प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक हो सकता है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। देखिए, इधर नीतीश कुमार की जो समीक्षा हुई, स्थिति की समीक्षा के बाद क्या बोले नीतीश कुमार, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। गुरुवार को सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। यह नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी। शादी में डीजे व बारात जुलूस पर रोक जारी रहेगी। शादी में डीजे नहीं बजा सकते हैं, जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, इस पर पाबंदियां जो है बरकरार रहेगी। देखिए, बिहार में के साथ साथ पूरे देश में भी अब संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। बिहार में अचानक जहाँ 15,000 केसेस प्रतिदिन आते थे, अब उससे कम होने लगी है। 13,000, 12,000, 11,000, 10,000, अब 9,000 पर पहुंच चुकी है और उसके बाद अब 7,000 पर आ गई है। अब देखिए, बीते दिन कल की अगर 24 घंटे की बात करते हैं तो कल संक्रमित मरीजों की संख्या 7,752 तक रही। अब सैंपल की जांच कितना हुआ, सैंपल की जांच थोड़ा सा कल कम हुआ है, थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अगर हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर 1 लाख से पार होता तो 8 लाख तक केसेज पहुंच सकती थी। 97,664 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 1,485 संक्रमित मरीज केवल पटना में मिले हैं।
25 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर बात कर ले पटना में नए संक्रमितों की संख्या 977 कोरोना के नए संक्रमित मिले थे, जबकि गुरुवार को पटना में नए संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1485 हो गई। ये कम बेसी हो रहा है। सैंपल की जांच जो है वह बढ़ना चाहिए और तब इस स्थिति को बताया जा सकता है कि संक्रमण दर कम हो रहा है कि ठीक है। इधर स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर चले जाने पर लोगों में ऐसा आशंका थी कि और भयावह स्थिति होगा, लेकिन हड़ताल स्वास्थ्य कर्मियों का समाप्त हो गया है। प्रदेश में एक दिन में ही दोगुने हुए ब्लैक फंगस के मरीज। अब देखिए कोरोना के साथ साथ आँख और जबड़ा की भी एक बीमारी चल गई है। पहली दिन 4 मरीज मिले और दूसरा दिन वह दोगुना हो गया, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। पटना में अब तक ब्लैक फंगस के 8 मरीज सामने आए हैं। एम्स और IGIMS में एक एक नए केस मिले हैं। पटना में 2 अस्पतालों में गुरुवार को 2 नए ब्लैक फंगस के मरीज मिले, इसमें पटना एम्स में 1 और IGIMS में 1 भर्ती हुए। इस प्रकार सभी कुल 8 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अब कुल ब्लैक फंगस के मरीज एम्स में 4, IGIMS में 2 और रुबन में 2 भर्ती हैं। तो इससे भी अब बचने की ज़रूरत है। आँख और जबड़े की यह बीमारी अब किस तरह से अपना तड़का मचाता है या इस पर कंट्रोल होता है। सिविल सेवा PT अब 10 अक्टूबर को होगा और आज ईद है। ईद पर हमें घर में ही रहकर ईद मनाने की सलाह दी गई है। खुशियों के आगे दूसरों की खुशियों को भी बरकरार रखना है और ईद भी धूमधाम से मनाना है। मास्क और 2 गज की दूरी भी बनाकर रखना है। देखिए अब कोरोना के साथ साथ बाढ़ का भी टेंशन आ गया है। जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बिहार के कई जिले जो हैं पानी से तबाह हो जाते हैं, बाढ़ से तबाह हो जाते हैं। तो इससे पहले ही बिहार सरकार जो है अलर्ट जारी किया है और सतर्क मोड में है। राहत शिविर लगने वाली जगहों पर पेयजल व स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ पूर्व की तैयारियों पर 26 जिलों को किया गया अलर्ट, यानी कि आधा बिहार डूबा हुआ रहता है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अभियंताओं को PhD ने जारी किया दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे प्लेटफार्म के साथ चापाकल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में को जारी किया गया निर्देश, किन किन जिलों को जारी किया गया है बाढ़ को लेकर निर्देश, उसमें से है पटना, आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय है। तो यहाँ पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया कि आप सतर्क हो जाइए। इधर कोरोना काल में बिहार में मछली का कारोबार हुआ आधा। देखिए आने जाने में कुछ तकलीफें हो रही है, लोग घर से कम निकल रहे हैं, तो मछली व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों को भोजन सामुदायिक रसोई से। अब मरीजों के साथ साथ उनके परिजन जो अस्पतालों में रहेंगे उनका जो भोजन जो है सामुदायिक रसोई से भी मिलेगा। कई सहूलियत इसमें दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। देखिए एक और बड़ी खबर है कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगस के साथ अब आंधी पानी के भी कई दिनों से अलर्ट जारी किया जा रहा है। 12 से 13, 13 से 14, 15 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर पूर्व बिहार में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। 30 डिग्री से कम रहा बारिश से कई जिलों का तापमान, यानी कि देखिए इस समय मौसम जो है थोड़ा सा मिजाज बदले हुए है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार को आंधी और तूफान गरज के साथ बारिश हुई, इस वजह से कई जिलों में हल्के फुल्के नुकसान की सूचना है। वहीं आंधी तूफान की वजह से आम और लीची के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान के अनुसार पिछले कुछ सालों की तुलना में मई में अधिक बारिश हुई है। यह प्री मानसून की दस्तक है। गुरुवार को सबसे अधिक बारिश रोहतास जिले के दिनारा में 10 सेंटीमीटर दर्ज की गई, वहीं बरौनी तरारी में 6 सेंटीमीटर। इधर पप्पू यादव के लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जो लोगों की सेवा कर रहे थे ग्रामीण अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजनीतिक दल भी पप्पू यादव के संबंध में आवाज़ें उठाई है। पप्पू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पप्पू यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुपौल के बीरपुर जेल से अस्पताल भेजे गए हैं, यानी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामला अति आवश्यक नहीं है कि आउट ऑफ टर्न सुनवाई हो, कोर्ट ने कहा है। पूर्व सांसद को दी गई यातना, रंजीत। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी
कांग्रेस नेता सह पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि पहले तो पप्पू यादव को बिना वजह 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी के दौरान पूर्व सांसद को मिलने वाली सुविधाओं का प्रोटोकॉल को तोड़ उन्हें हर जगह यातना दी गई है। रंजीत सरकार पर उंगली उठा खुद कटघरे में खड़ी हो गई है, बोले जदयू प्रवक्ता। विधायक निधि का भी हो कोरोना से लड़ाई में उपयोग। दूसरी लहर में सबसे अधिक 20 से 39 साल के युवा संक्रमित हुए हैं। नौजवानों की लापरवाही पड़ रही है उन पर भारी। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल मगस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।